वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फुल ग्लैम मेकअप लुक, और इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट किया है। आप भी इस लुक को कैरी कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आप इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो घर पे ही। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी वेडिंग या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जा रहे हो तो इस लुक को बहुत इजी तरीके से आप कैरी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है निविया का सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर। काफ़ी अच्छे से आपके फेस को ये मॉइस्चराइज करता है, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है इसको अप्लाई करने के बाद। तो काफ़ी अच्छे से आपके फेस को ये मॉइस्चराइज कर देता है। सो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे, और देन अपनी आईब्रोज को फिल इन करूँगी। उसके लिए मैंने ली है ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट, और इसमें एंगुलर ब्रश भी आता है, बट वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो मैं एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ अलग से, और इसे मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी उसी शेप में। सो नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का डुई ल्यूमिक्स प्राइमर है। ये टिंटेड प्राइमर है, काफ़ी अच्छे से आपके इसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो फेस पे एक शाइन आ गई है, और काफ़ी हद तक आपके ये जो पोर्स हैं ओपन पोर्स होते हैं उनको भी ब्लर आउट करता है। तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने टी जोन एरिया पे। और बेस मेकअप के लिए फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है ये लैक्मे का लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन है। इसमें मेरा शेड 01 आइवरी, और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मूज कंसिस्टेंसी है, बहुत ही लाइट वेट है। इसकी कवरेज आप देख सकते हो, इसकी शेयर टू मीडियम कवरेज है, फुल कवरेज नहीं है इसकी, बट ये समर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बेस्ट वाला ये मूज फाउंडेशन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, देन इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैं कंसीलर के लिए ले रही हूँ, ये सिस ब्यूटी का कंसीलर है। सो इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे अमाउंट में अपनी आईलेट पे, अपने अंडर आई में, क्योंकि जो हमने फाउंडेशन अप्लाई किया था वो लाइट उसकी कवरेज है इसीलिए। सो यहाँ मैं फुल कवरेज कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ। इसको मैंने अप्लाई किया अपने ब्रिज ऑफ दी नोज़ पे, फोरहेड पे। सो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। सो इसकी जो कवरेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरे जितने भी डार्क एरिया है उसको इसने हाइड कर दिया है। कवरेज काफ़ी अच्छी दी है इसने, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिलता है आपको ये, 200 रुपीज़ में मिल जाता है। देन इसको मैं सेट करूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने लिया ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट है, और इससे इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को ताकि वो क्रीज ना करे। सो अच्छे से मैं सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को एंड फाउंडेशन को। सो अभी यहाँ मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई कर ले रही हूँ, ये है एडीएस का मेकअप फिक्सर। और अभी यहाँ मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ एसएफआर की आई शेडो पैलेट है, और इसमें जितने भी आपको शेड मिलते हैं सारे आपको इसमें मैट शेड मिलते हैं। ये है रेडिश ब्राउन शेड, इसको मैंने पिक किया है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस ये, तो बहुत ही हल्का सा टच करना होता है। मैंने कुछ ज़्यादा ही टच कर लिया था इसको कलर को, और बहुत ज़्यादा पिक हो गया, इसलिए मैं इसी को ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी और पिक नहीं करूँगी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से अपनी ट्रांजिशन लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ, और काफ़ी देर तक मुझे इसको ब्लेंड करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर पिक हो गया था। अभी यहाँ मैं कट क्रीज कर रही हूँ, तो मैंने सेम कंसीलर की हेल्प से एक कट क्रीज ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज को कट कर लिया है। पूरी क्रीज को आज मैं कट कर रही हूँ। सो कुछ इस टाइप से मैंने कट क्रीज ड्रॉ कर ली है कंसीलर की हेल्प से। सो अभी यहाँ मैं पिक कर रही हूँ ये ब्लैक कलर का आई शेडो, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी पे। सो एक स्मोकी इफेक्ट के लिए अपनी आउटर वी पे कुछ इस टाइप से मैं ब्लेंड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है, देन इसको ब्लेंड करना है। सो कुछ इसी टाइप से मैं अप्लाई कर लूँगी, देन इसको ब्लेंड करूँगी। सो अभी यहाँ मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 की ग्लिटर आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैंने ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर का कुछ इस टाइप से ये प्रेस्ड ग्लिटर है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। पहले मैंने फिंगर से अप्लाई किया है, देन एक ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ कुछ इस टाइप से। और ये काफ़ी अच्छे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं गाइड, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे मैंने रेड कलर का शेडो पिक किया है, मैट आई शेडो, इसको मैं कुछ इस टाइप से अप्लाई कर ले रही हूँ, ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये आपको दिखने में थोड़ा सा पिंक लग रहा होगा, बट ये रेड था। और मैंने अभी थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया है अपने अंडर आई में ताकि जो भी फॉल आउट हुआ है वो क्लीन हो जाए। और यहाँ आईलाइनर के लिए मैंने लिया है NYB का आईलाइनर है, इसे मैं सिंपल सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा आईलाइनर है गाइस, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये आईलाइनर क्योंकि इसका जो वॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका जो कलर है बिल्कुल जेट ब्लैक है गाइस, काफ़ी अच्छा ये आईलाइनर है।
अभी मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर दोनों को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मज आउट कर रही हूँ। और यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन में व्हाइट कलर का काजल NYBAKA, और मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी आईज़ में व्हाइट काजल कैसा लग रहा है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया अपनी आईज़ में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला लुक। सो अभी यहाँ मैं ब्रॉन्ज़र के लिए ले रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्ज़र है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी, अपनी जो लाइन पे एंड नोज़ को कंट्रोल करूँगी अपनी में। सो ब्लशर एंड हाइलाइटर के लिए मैंने लिया स्विस ब्यूटी की ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, इसमें से मैंने कोरल कलर का ये शेड पिक किया है ब्लश का, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी एपल ऑफ चीक्स पे। सो ये भी काफ़ी अगेन आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी, और इसी में से मैंने ये हाइलाइटर वाला शेड पिक किया है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्रिज ऑफ दी नोज पे, अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। एंड सेम हाइलाइटर की हेल्प से अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी। और इसी की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूंगी सेम हाइलाइटर की हेल्प से। सो गाइज यहाँ मैं लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ, ये है हुडा ब्यूटी की ड्यूप लिपस्टिक है, इसका शेड है ये डार्क ब्राउन, इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, बट ये शेड थोड़ा सा डार्क जा रहा है इस लुक के साथ, तो इसीलिए मैं इसको टॉप अप करूंगी लाइट न्यूड कलर के लिप शेड से। सो यहाँ मैं ले रही हूँ ये है ब्लू हेवन का लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है ये 11, इसे मैं टॉप अप कर लूँगी। सो यहाँ ये लुक कंप्लीट होता है गाइज, और ये शेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट जा रहा है लिप शेड इस लुक के साथ, और ये पर्सनली लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज। एंड यह मस्कारा के लिए मैंने लिया ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी लैशेस पे अपर एंड लोअर दोनों लैशेस पे अच्छे से, और लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी मेकअप फिक्सर, ये है ADS का मेकअप फिक्सर, और यहाँ मेरा लुक कंप्लीट होता है गाइस। सो आज का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा गाइस। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।